नमस्कार किसान साथियों, ये मेरे नींबू का प्लांट है 3.5 साल का। तो इससे हमने बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग निकाल रखी है, लेकिन अब भी बची हुई है तैयार नींबू, छोटे नींबू और स्टेज के, और इस पे देखो फुटाव भी चला हुआ है। तो अभी थोड़ा सा हल्का पीलापन तो दिशा वैसे ही हो जाता है, लेकिन मैं साथियों आज एक बहुत गंभीर बीमारी के बारे में बात करेंगे भी नींबू का पौधा सूखना कैसे शुरू होता है और कैसे उसके सिम्टम होते हैं, शुरुआती लक्षण क्या है, और फिर उसका मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। इधर देखो आप, ये पौधा पूरा आ रहा है इस साइड से, लेकिन इस साइड से देखो ये एक साइड से पीला हो रहा है। ये तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कोई बीमारी आ गई है। ये देखो पूरा आधा पेड़ पीला है। तो इसकी रोकथाम के लिए मैंने इसमें ट्रीटमेंट इसका किया हुआ है, बड़ा प्लांट है ये, नीचे इसमें मैंने, तो ये बच जाएगा ये। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ऐसे पौधा आधा पीला होने के बाद क्या होता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो साथियों ये सभी प्लांट भी उसी के साथ के हैं, देखो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग और ये सारे चले हुए हैं ठीक लग रहे चारों तरफ सारे। तो ये प्लांट साथियों, मेरा एक प्लांट सूख गया था और इसको मैंने बाद में लगाया था, तो इसका धीरे धीरे ऐसे एक साइड से पीला होता गया और मैं इसकी टहनियाँ काटता गया, सारे मैंने उपाय किए, लेकिन मैंने इसको लेट संभाला। जो सिम्टम उस प्लांट में थे वो इसमें आए थे शुरू में। तो मैं आपको दिखाता हूँ जड़ों में क्या बीमारी आती है और क्या उसका ट्रीटमेंट करना, अभी इसको उखाड़ के देखेंगे। ये देखो साथियों, इसकी सारी ये स्पोर्टिव रूट सारी गली हुई हैं, बिल्कुल देखो ये कुछ नींद के अंदर, और ये इसकी जो फीडिंग रूट है वो भी एक आध बची हुई है कोई, और नहीं सारी देखो ये खाई हुई है फंगस ने और ये सिट्रस कैंकर ने। देखो ये सारी जड़ है इसकी, से फीडिंग रूट है वो भी देखो बिल्कुल गली हुई है। तो साथियों जो ये है, ये इस प्लांट की जो ये हालत हुई है, ये जड़ें सारी बिल्कुल ऐसे, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसको प्लांट को इस स्टेज में आने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। लेकिन किसान क्या होता है, लापरवाही कर देता है। अब जैसे मैंने वो आपको प्लांट दिखाया, वो एक साइड से पीला हो रहा है, तो उसने सिम्टम दे दिए हैं भाई उसके अंदर बीमारी है कोई। अगर हम ट्रीटमेंट कर लेंगे या एडवांस में ट्रीटमेंट होके रखे तो दिक्कत आती नहीं। इस प्लांट में दिक्कत इसलिए ज़्यादा आई क्योंकि यहाँ पर पहले एक प्लांट सूखा था और मैंने बिना ट्रीटमेंट के दोबारा यहाँ पर जल्दबाजी में प्लांट लगा दिया, और उसका ये रिजल्ट है। 1.5 साल का प्लांट देख लो आप, बिल्कुल ख़त्म है सब कुछ इसका। तो साथियों इसके लिए क्या करना है, अगर हमारा कोई प्लांट सूख जाए तो उस खड्डे की मिट्टी निकाल के उसमें ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास थोड़ा गोबर की खाद में मिला के वो भरना है 2 महीने तक। चलो ये तो हो गया खड्डे का ट्रीटमेंट, फिर प्लांट लगाओ। लेकिन रूटीन में हमने बाग में क्या करना है, साल में कम से कम 4 बार ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास तो चलानी ही है हमने, और जब भी ये दोनों चलाओ तो केमिकल का गैप रखना है अपन 1 महीने तक, फिर कोई केमिकल नहीं चलाना है, नहीं तो उसका रिजल्ट वो फंगी जो बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं करेंगे और उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो इसके साथ और क्या करना साथियों, हमने जो क्या करते हैं किसान, अब जो ये प्लांट है इसकी जड़ों में मित्र, जो इसकी जड़ों में क्या होते हैं मित्र सूक्ष्म कीट जीव भी होते हैं, तो हम क्या करते हैं जब प्लांट में दिक्कत आती है तो हम ज़्यादा कॉपर बेस्ड फंगीसाइड का यूज करते हैं। तो कॉपर बेस्ड फंगीसाइड का यूज करेंगे तो वो क्या करती है, जो इसके अंदर हानिकारक हैं, जो हानिकारक पैथोजन है सूक्ष्म जीव है, उनको वो ख़त्म करेगी, लेकिन जो हमारे मित्र सूक्ष्म जीव है उनको ज़्यादा ख़त्म करती है। और दोबारा से क्या होता है, मान लो इस खड्डे में हमने कोई भी कॉपर बेस्ड फंगीसाइड डाल दी, वो 1 फुट तक इसको ख़त्म कर देगी, 1.5 फुट तक कर देगी, लेकिन खड्डे के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है नीचे तक, और दोबारा से इन्फेक्शन 2-4 महीने में फिर ग्रो कर जाता है। लेकिन जो कॉपर बेस्ड हम ज़्यादा फंगीसाइड डालते हैं तो वो हमारे जो मित्र सूक्ष्म जीव है उनको ज़्यादा ख़त्म करती है। तो जब ये स्टेज हो कोई, तो कोशिश करनी चाहिए बाग में कॉपर बेस्ड फंगीसाइड का प्रयोग कम से कम करो, क्योंकि वो हमारे जो मित्र सूक्ष्म जीव है उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसमें क्या करना है, बस ये रूटीन में हमने ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, और ज़्यादा कोई केमिकल पे करता है तो एक आधी बार बीच में मैंने कुछ वाला साफ़ वाला साल्ट चलाओ, और जैसे ही पौधा पीला होता है कहीं से भी, मान लो
पूरा पौधा हल्का पीला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक साइड से पौधा ज़्यादा पीला है तो इसके अंदर उसके अंदर बीमारियाँ हैं, और उसका साथ के साथ फौरी तौर पर ट्रीटमेंट करो तो प्लांट बचेगा, नहीं तो प्लांट फिर जाएगा। और नींबू की बागवानी में इस साल खासकर नॉर्थ इंडिया में हरियाणा में बहुत ज़्यादा नुकसान है। 10-10 किलो मैं एक बाग अभी देख के आया था 10 एकड़ का, कम से कम उसमें 1000 पौधा सूखने लग रहा है। और ये सब यही चीज़ें, ये पूरा मतलब इसी को हम सिट्रस डिक्लाइन भी बोलते हैं। कोई बीमारी का नाम दे दो, जैसे ही पौधे में दिक्कत होगी तो पहले फंगस अटैक करेगी, साथ के साथ कैंकर, सिट्रस कैंकर, तो दोनों चीज़ उसको ख़त्म कर देती है।